के राजदूत महामहिम जयदीप सरकार से निवेदन करेंगे कि हमारे यहाँ आए हुए विद्यार्थियों को और अध्यापकों का स्वागत करके हमारे आज के समारोह का जय गणेश करें। सर गेंदानी साहब, भाइयों और बहनों नमस्कार। आपकी मातृभाषा हिब्रू है, मेरी मातृभाषा भी हिंदी नहीं है बल्कि बांग्ला है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगले सेमेस्टर आपके जैसे मैं भी गेंदानी साहब के क्लास में शामिल हूँ। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज हम हिंदी दिवस को मनाने यहाँ आए हैं। तो हिंदी विश्व में सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा समझी और बोली जाने वाली चुनिंदा भाषाओं में से एक है। अगर भारत की बात करें तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में सैकड़ों भाषाएं तथा बोलियां बोली जाती हैं, लेकिन हिंदी का प्रचलन किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी क्षेत्रों में अधिकांश लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, जानते हैं। अगर विश्व की बात करें तो विश्व भर में फैले विशाल प्रवासी भारतीय समुदाय तथा आप जैसे हिंदी भाषा प्रेमियों के माध्यम से यह भाषा विश्व के हर कोने में पहुंच गई है। हिंदी सिनेमा और हिंदी गानों से तो आप सब परिचित ही हैं, ये सभी देशों में बड़े चाव से देखे सुने जाते हैं। कुछ महीनों पहले जब मैं इजराइल आया था तो मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तेल अवीव विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाई जाती है। मैं विश्वविद्यालय के हिंदी पढ़ाने के प्रयास की प्रशंसा करता हूँ। मुझे पता है कि हिंदी के प्रति आपका प्रेम सच्चाई में वास्तव में भारत के लोगों, भारत की संस्कृति, संगीत, नाटक, नृत्य, खान पान, वेशभूषा, इन सभी के प्रति आपका प्रेम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इजराइल में हिंदी भाषा के प्रति प्रेम ऐसे ही बढ़ता रहे और मुझे आप सब से दोबारा मिलने का अवसर मिले। अब मैं आपके सामने भारत के माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का संदेश पढ़कर सुनाऊंगा। हिंदी के लिए यह आज एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 1975 में आज ही के दिन नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। हिंदी भारत की समृद्ध भाषा होने के साथ साथ देश की संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक है। इसी से विकसित हो रहे विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए हिंदी पहले से ही एक मुख्य भाषा के रूप में उभर चुकी है। समसामयिक समाज की प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखने और हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, विच मीन्स टू कीप पेस विथ द प्रोग्रेस ऑफ कॉन्टेम्पोररी सोसाइटी and to encourage the increasing use of Hindi, संगत प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के विकास में काफी कुछ किया जाना है। We have to work harder to expand the technological applications for the use of Hindi. इस उद्देश्य के लिए न केवल विद्वानों, लेखकों और बुद्धिजीवियों को, बल्कि इस महान भाषा से जुड़े सभी लोगों को मिलकर नियमित रूप से प्रयास करने होंगे। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर विश्व भर के हिंदी प्रेमियों को मेरी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। One of the most important aspects of Asian culture that our department chose to stress is providing the necessary and essential language skills to our students. This is turned into the cornerstone of our studies for both undergraduate and graduates. The language nights, which we hold now for all three cultures that we teach,
program at our department are very special, since it is the time that we see how far our students have come along with their language skills. Every year, I am surprised, and the teachers are surprised, the significant strides that our students made in their command of the chosen language. And at that point, I would like to thank our Indian languages teacher, Dr. Genady Slomper, Alex Cherniak, and Rafi Pellet, who are the Sanskrit teachers, for organizing this evening and for being such a wonderful and productive teachers. And since I'm not the most important speaker here, and I don't speak a word in Hindi, I will stop here and let the performances begin. Thank you so much. प्रश्नोत्तरी में आपका कार्य बहुत सरल है। आप कई फिल्मों के गीत सुनेंगे। इन गीतों में फिल्मों के नाम छुपे हैं। आपको गीत सुनकर फिल्म का नाम पहचानना होगा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कभी बच्चा अकबर के दरबार में एक बुद्धिमान और चतुर आदमी रहता था। उसका नाम बीरबल और अक्सर विभिन्न बातों पर बच्चा अकबर बीरबल के राय पूछते थे। ठीक जानते हैं कि हमारे देश कितने लोग, कितनी नागा, कितनी नदियाँ, कितनी जिले हैं, लेकिन चिड़ियों की संख्या हम नहीं जानते। इसलिए चिड़ियों की गिनना की जिम्मेदारी में तुम्हें साउंड बनाना चाहता हूँ। अच्छा महाराज, मैं आपको कब पूछूंगा? बोलो बीरबल, तुमने चिड़ियों की गिनती पूरी कर ली? हाँ महाराज, 8000 तोते, 10000 कौवे, 3000 सारस, 400 भरम और 300 भर कबूतर। अच्छा, लेकिन अगर गिनती ठीक नहीं है तो तुमको सख्त सजा मिलेगी। हाँ महाराज, लेकिन ये कल की गिनती थी। अगर नचरिया अगर 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 चिड़िया नहीं है अगर चिड़िया अगर एकीलागा हिंदी की पहली है तो तुमको सख्त सजा मिलेगी। हमारा लेकिन ये कल की गिनती थी। अगर कुछ चिड़िया होगी, अगर कुछ निया चिड़िया होगी, कुछ चिड़िया पैदा हुई तो जरूर फर्क है।
सबसे अच्छे विद्यार्थी नहीं थे, लेकिन आपने हमेशा हमारी मदद दी। हम आपके विद्यार्थी आपको बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि आप हमारे गुरु हैं। हम कभी नहीं भूलेंगे आपको। आप बहुत ही अद्भुत हैं। धन्यवाद।